नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। संसद के मानसून सत्र का आज सातवां दिन है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी के संसद में न होने पर हंगामे के आसार है। विपक्ष सदन में उनके बयान पर अड़ा है। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। वाईएसआर ने दिल्ली अध्यादेश पर भी सरकार का समर्थन करने को कहा है। पार्टी नेता विजय साई रेड्डी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को कैसे मदद मिलेगी। मणिपुर और दो पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों के बीच सरकार को कमजोर करने की कोशिश करना देश हित में नहीं है। मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि रुक रुक कर हुई कार्रवाई के बीच लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास हुआ। राज्यसभा ने सिनेमेटोग्राफ बिल पास किया, जिसमें पायरेसी के लिए 3 साल की जेल और प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% का जुर्माना प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने 27 जुलाई को आप सांसद संजय सिंह को सलाह दी। खड़गे ने कहा कि वो रात भर धरने पर न बैठे, बजाय इसके वह हर दिन संसद की कार्रवाई समाप्त होने पर अपना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया करें। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं खड़गे ने मोदी के राजस्थान दौरे पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बल्कि राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। लोग अब जागरूक हो गए हैं और इस तरह की राजनीति के खिलाफ लड़ेंगे। आप लोकतंत्र के मंदिर संसद में बात नहीं करना चाहते, लेकिन राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।